नमस्कार साथियों, पहले एक वीडियो आया था शॉर्टवेव प्रोग्राम स्केड्यूल, जिसमें हमने शॉर्टवेव पर आने वाली विभिन्न सेवाओं का लाइव डेमो देखा था। आपने नोटिस किया होगा उसमें मैंने आकाशवाणी को नहीं रखा था। आकाशवाणी का पूरे विश्व में एक नाम है साथियों, ख्याति है, सम्मान है, और आकाशवाणी 25 बार प्रतिदिन अपनी सेवाएं प्रसारित करता है, तो ऐसे कैसे मैं उसको उस वीडियो में ले लेता। आकाशवाणी के लिए तो एक अलग वीडियो ही बनना था साथियों। आगे बढ़ने से पहले, आकाशवाणी से जुड़ी सबसे बड़ी बातों में से एक है उसकी सिग्नेचर ट्यून। आप में से जो साथी रेडियो सुनना छोड़ चुके हैं या कम सुनते हैं, या सुबह के समय किसी आकाशवाणी के स्टेशन के शुरू होने से पहले नहीं सुनते, क्या उनका ये ट्यून ध्यान है? आकाशवाणी DRM पर है, आकाशवाणी एनालॉग रेडियो पर भी है, और जहां रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे धुरंधर शॉर्टवेव वगैरह को छोड़ के जा चुके हैं, वहां आकाशवाणी शॉर्टवेव पर भी जमा हुआ है। यदि आप चीन से तुलना करेंगे तो देखिए, BBC वगैरह कोई भी जो दूसरे आज के समय रेडियो स्टेशन हैं किसी भी देश के, वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अब भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार को जनता का जवाब देना होता है, वो पैसा बिना सोचे समझे व्यर्थ में नहीं लगा सकते। लेकिन चीन में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, उनकी इच्छा है वहां पैसा लगाएंगे, और चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, हमारे से तो कई गुना बड़ी इकोनॉमी है। तो आप चीन जैसे साफ प्रसारण या दिन भर आने वाले प्रसारणों की उम्मीद नहीं कर सकते आकाशवाणी से। एक बात और, अब शॉर्टवेव का अर्थ बहुत सारे लोग सही से नहीं समझते। शॉर्टवेव पर कम बैंडविड्थ का, कोई अच्छी साउंड क्वालिटी वाला सिग्नल नहीं होते वो, लेकिन दूर तक जा सकते हैं। तो प्रायः है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, यानी कि आपको अपना सिग्नल दूसरे देशों में भेजना है, तब शॉर्टवेव का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टवेव का प्रयोग करके बहुत सारे स्टेशन भारत में ही सुनवाएगा आकाशवाणी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मीडियम वेव है, FM है, और FM पर सबसे साफ प्रसारण आते हैं, लेकिन सिग्नल दूर नहीं जा पाता। मीडियम वेव पर FM से कम लेकिन शॉर्टवेव से बेटर प्रसारण आ सकते हैं, और सिग्नल FM से ज्यादा दूर लेकिन शॉर्टवेव से कम दूर जा सकता है। सो इन सभी हिसाब किताबों को और खर्चे को देखते हुए अपनी सेवाएं निर्धारित करनी पड़ती हैं साथियों। अब हम लाइव डेमो के साथ एक के बाद एक आकाशवाणी के दिन भर आने वाले 25 प्रसारण देखने जा रहे हैं साथियों। इसके अलावा एक बात और बता दूं, मीडियम वेव पर जैसे 1071 किलोहर्ट्स या 594 किलोहर्ट्स पर कुछ स्टेशन आकाशवाणी ने ऐसे खोले हुए हैं जो दूसरे देशों को टारगेट करके उर्दू वगैरह में सेवाएं प्रसारित करते हैं। इसके अलावा जो आकाशवाणी की ऐप है न्यूज ऑन AIR, उस पर भी अब आजकल एक नया सेक्शन जुड़ गया है, ESD, जो एक्सटर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, ESD करके लिखी रहती है, बहुत सारी सेवाएं हैं जिसमें आप उर्दू और पंजाबी सेवाएं भी सुन सकते हैं। तो चलिए साथियों, ट्यून करते हैं। शाम के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चाइनीज मैंड्रिन भाषा में आकाशवाणी बेंगलोर के 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से अपनी सेवा प्रसारित करता है। फ्रीक्वेंसी रहती है 15,400 किलोहर्ट्स 19 मीटर बैंड में। शॉर्टवेव 9,735 किलोहर्ट्स 9735, यानी 31 मीटर बैंड पर, और साथ में 25 मीटर बैंड में 11,805 11805 किलोहर्ट्स पर तिब्बतन भाषा में तिब्बत के लिए आकाशवाणी अपने दिल्ली के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से सेवाएं प्रसारित करता है शाम के 4:15 बजे से लेकर के और 5:45 बजे तक, 4:15 से लेके 5:45 तक। और आज मैं देख रहा था काफी अच्छा संगीत यहां से आकाशवाणी ने प्रसारित किया। सायंकालीन 5:45 यानी 5:45 से लेकर और 6:45 यानी 5:45 तक 15,400 किलोहर्ट्स पर ईस्ट अफ्रीका को टारगेट करके स्वाहिली भाषा में बेंगलोर के 500 किलोवाट से आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित करता है।
सो क्योंकि सिग्नल बेंगलोर से सीधा ईस्ट अफ्रीका की तरफ टारगेट किया गया है, तो बेंगलोर से नॉर्थ इधर हरियाणा में उतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। 9735 किलोहर्ट्स 31 मीटर बैंड में सायंकालीन 6 बजे से 7 बजे तक पाकिस्तान को टारगेट करके बलूची भाषा में दिल्ली के 100 किलोवाट ट्रांसमीटर से आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित करता है। ग्यारह हजार 805 किलोहर्ट्स 25 मीटर बैंड में सायंकालीन 6 से 7:30 तक पश्तो भाषा में अफगानिस्तान को टारगेट करके बेंगलोर के 500 किलोवाट पावरफुल स्टेशन से आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित करता है। तो 11,805 किलोहर्ट्स 25 मीटर बैंड में जो 6 से 7:30 बजे तक पश्तू अफगानिस्तान के लिए पश्तू भाषा में जो सेवा चल रही थी उसी के बीच में अभी 7:10 पर आकाशवाणी ने अंग्रेजी में अपना कार्यक्रम दिया है। इसके साथ ही मैंने नोटिस किया कि इसी समय 7 बजे 31 मीटर बैंड में 9735 9735 किलोहर्ट्स पर डारी भाषा में अफगानिस्तान को टारगेट करके दिल्ली के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से सेवा प्रारंभ होनी थी, किंतु वहां पर जो इंद्रप्रस्थ चैनल 819 किलोहर्ट्स पर उसको रिले किया जा रहा है। अभी मैं उसका एक सैंपल दिखाता हूं। आकाशवाणी दिल्ली से इंद्रप्रस्थ चैनल से इस समय किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम आ रहा है जिसमें हरियाणवी रागनियां प्रस्तुत हो रही हैं। सो वो चल रहा है। सो संभवतः जब आकाशवाणी के पास कोई प्रोग्राम रेडी नहीं होता तब उसके बदले वो इंद्रप्रस्थ चैनल को वहां से ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। रात के 9:30 बजे हैं और 9:30 से 11 9,620 किलोहर्ट्स 31 मीटर बैंड में और आकाशवाणी बेंगलोर के 500 किलोमीटर वाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से फारसी भाषा में ईरान को टारगेट करके अपने प्रसारण दे रहा है। रात 11 से 1 बजे तक 9,620 किलोहर्ट्स पर 31 मीटर बैंड में अरबी भाषा में मिडल ईस्ट को टारगेट करके आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित करता है। रात 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 9,620 किलोहर्ट्स 31 मीटर बैंड में फ्रेंच भाषा में अफ्रीका और यूरोप को टारगेट करके बेंगलोर से 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित कर रहा है फ्रेंच भाषा में।
चाइनीज भाषा में जो आप ये धुंधला प्रसारण सुन रहे हैं, ये सुबह 5:15 बजे से 7:45 बजे तक, 5:15 से 6:45 तक, 19 मीटर बैंड में 15,280 किलो हर्ट्स पर बेंगलोर के 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग स्टेशन से चाइनीज भाषा में, मैंड्रिन भाषा में, चीन को टारगेट करके आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो प्रसारित करता है। और ये ट्रांसमिशन यहाँ धुंधला जरूर है, लेकिन चीन की तरफ जहाँ ये टारगेट किया गया है, वहाँ ये काफी साफ सुनाई देता होगा। ये संगीत जो आप सुन रहे हैं, 41 मीटर बैंड में 7215 7215 किलोहर्ट्स पर सिंधी भाषा में पाकिस्तान को टारगेट करके बेंगलोर के स्ट्रॉन्ग 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। समय रहता है सुबह 6:30 से 7 बजे। पच्चीस मीटर बैंड में 11,570 किलोहर्ट्स 11570 किलोहर्ट्स पर तिब्बतन भाषा में तिब्बत को टारगेट करके दिल्ली के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित कर रहा है। समय रहता है सुबह 6:30 से 8 बजे तक। सुबह के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 19 मीटर बैंड में 15,280 15,280 किलोहर्ट्स पर इंडोनेशियन भाषा में इंडोनेशिया को टारगेट करके बेंगलोर के स्ट्रॉन्ग 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित करता है। आपने देखा होगा कि कई फ्रीक्वेंसीज पर बहुत ही धुंधला ट्रांसमिशन था और कई पर बहुत स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, जिन एरियाज को टारगेट करके वो सिग्नल छोड़ा गया है, वो इस प्रकार इस एंगल पर आकाश की तरफ सिग्नल छोड़ा जाता है कि टारगेट एरियाज में वेव्स जो हैं वो मैक्सिमम पहुंचे। क्योंकि हम, आपको ये बात समझनी होगी कि हम भारत में बैठे हैं और टारगेट एरिया जिन भाषाओं में आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित कर रहा है वो भारत नहीं है, अभी तो दूसरे देश हैं। यही तो शॉर्टवेव बैंड है। शॉर्टवेव बैंड पर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स आते हैं और वो खुद के देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के लिए टारगेट करके सिग्नल छोड़ते हैं। भारत का, भारत में आपको सुनने के लिए मीडियम वेव है और FM है, तो आप हर किसी सेवा को शॉर्टवेव पर, अब हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि आकाशवाणी शॉर्टवेव पर छोड़ेगा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। सुबह आरती का समय हो गया है, 7:15 से 8 बजे तक 15,410 15410 19 मीटर बैंड में आकाशवाणी अपने बेंगलोर के 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से नेपाली भाषा में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। और अब लगातार इसी फ्रीक्वेंसी पर हम देखेंगे, लगातार जल्दी जल्दी भाषाएं बदलेंगी और बहुत सारे प्रसारण अब यहां से अगले 1, 2, 3 घंटे तक जो है वो आकाशवाणी करेगा। जैसा कि मैंने बताया था, 15,410 किलोहर्ट्स 19 मीटर बैंड पर आकाशवाणी अभी सुबह के समय जल्दी जल्दी अपनी सेवाएं बदलेगा। तो अभी हिंदी सेवा आ रही है 8 से 8:15, 8 से 8:15, जो कि आकाशवाणी पर प्रतिदिन जो हिंदी समाचार प्रसारित किए जाते हैं वो शॉर्टवेव पर प्रसारित किए जा रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। उन्नीस मीटर बैंड में 15,410 15410 किलोहर्ट्स पर ही अब अंग्रेजी के समाचार प्रसारित हो रहे हैं, जो कि आकाशवाणी के सभी मीडियम वेव केंद्र हर दिन सुबह 8:15 से 8:30, 8:15 से 8:30 करते ही हैं। अब देखिए, जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ किसी FM स्टेशन के अप्रोच ना हो और हो सकता है कोई मीडियम वेव स्टेशन भी आसपास ना हो, तो उनके पास आकाशवाणी के समाचार सुनने के लिए शॉर्ट वेव का ऑप्शन है 15,410 किलोहर्ट्स पर। हाँ,
सो सुबह के 8:30 से 8:45 यानी 8:30 से 8:45 15,410 19 मीटर बैंड में आकाशवाणी नेपाल को टारगेट करके नेपाली भाषा में अपने प्रसारण दे रहा है। उन्नीस मीटर बैंड में 15,410 किलोहर्ट्ज़ पर ही सुबह 8:45 से 9:45 9:45 से 9:45 बर्मीज भाषा में म्यांमार को टारगेट करके आकाशवाणी अपनी सेवा प्रस्तुत करता है। पच्चीस मीटर बैंड में 11,805 किलोहर्ट्ज पर बलूची भाषा में पाकिस्तान को टारगेट करके बेंगलोर के 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से आकाशवाणी सुबह 8:30 यानी 8:30 से लेकर और 10 बजे तक अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता है। तो साथियों कल साय है 4 बजे से लेकर और फिर रात को होते हुए और आज सुबह तक की बहुत सारी सेवाएं मैंने आपको लाइव डेमो के साथ दिखा दी और अब मेरा जॉब पर जाने का समय हो रहा है, इसलिए कुछ सेवाओं की मैं फ्रीक्वेंसीज और टाइमिंग्स बताकर जा रहा हूं। 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटे की सेवा फारसी भाषा में ईरान को टारगेट करके 19 मीटर बैंड में 15,280 किलोहर्ट्ज़ पे की जाएगी। इसके अलावा 10:00 से 11:30 बजे तक दिल्ली के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से दारी भाषा में अफगानिस्तान को टारगेट करके सेवा प्रसारित की जाएगी। फ्रीक्वेंसी रहेगी 31 मीटर बैंड में 9,735 किलोहर्ट्ज़ 9735, 25 मीटर बैंड में 11,620 11620 किलोहर्ट्ज़ और 25 मीटर बैंड में ही 11,875 किलोहर्ट्ज़ 11875 किलोहर्ट्ज़। इसके अलावा 10:00 से 11:30 बजे अफगानिस्तान को ही टारगेट करके पश्तो भाषा में बेंगलोर के 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से सेवा प्रसारित की जाएगी। फ्रीक्वेंसी रहेगी 19 मीटर बैंड में 15,185 15185 किलोहर्ट्ज और 25 मीटर बैंड में 11,805 11805 किलोहर्ट्ज। और इन्हीं सेवाओं में से जो डारी भाषा वाली सेवा है इसमें बीच में 15 मिनट के लिए अंग्रेजी में प्रसारण भी होगा। इसके अलावा मिडल ईस्ट को टारगेट करके अरबी भाषा में बेंगलोर के 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से 11:00 से 12:00 बजे तक दिन में 19 मीटर बैंड पर 15,280 15208 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अपनी सेवा प्रसारित करेगा। इसके अलावा 2:30 बजे 2:30 दोपहर को 2:30 से लेकर 4:00 बजे तक नेपाली भाषा में नेपाल को टारगेट करके दिल्ली के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से आकाशवाणी 9,735 9735 किलोहर्ट्ज़ 31 मीटर बैंड में और 11,805 11805 किलोहर्ट्ज़ 25 मीटर बैंड में अपनी सेवा प्रसारित करेगा। और ठीक इसी समय पर 2:30 से 4:00 बजे तक बेंगलोर के 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से ही नेपाली सेवा भी वही नेपाली सेवा प्रसारित की जाएगी 19 मीटर बैंड में 15,400 किलोहर्ट्ज पर। तो साथियों ये थी आकाशवाणी की प्रतिदिन आने वाली 25 सेवाएं। यहां ये बता देना आवश्यक है कि ये फ्रीक्वेंसी बदलती रहती हैं समय के साथ और सेवाओं में भी कभी कभी कुछ कुछ फेरबदल हो जाता है, किंतु जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं शॉर्टवेव के, जैसे कि वेबसाइट है shortwaveschedule.com जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के आपको मिल जाएगा, वहां पर आप लगातार जाकर और ये फ्रीक्वेंसी चेंजेस देख सकते हैं। नमस्कार।